अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये है तवांग, द हार्ट ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ द मोंगपास। जहां स्थित है तवांग नदी की घाटी में देश का सबसे बड़ा और लासा के पोटाला पैलेस के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ, जो तवांग मठ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। तवांग एक तिब्बती शब्द है जिसमें ता का अर्थ होता है घोड़ा और वांग का अर्थ होता है चुना हुआ। दरअसल 300 साल से भी पुराने इस मठ के नाम के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर तवांगचू घाटी में बने इस मठ को 1681 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तो ने बनवाया था। एक मान्यता के अनुसार मठ बनाने के लिए इस स्थान का चयन एक काल्पनिक घोड़े ने किया था। कहते हैं मठ के संस्थापक मेराक लामा को मठ बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में काफी कठिनाई हो रही थी। एक दिन वो गुफा में दैवीय शक्ति की मदद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना के बाद बाहर आए तो उनका घोड़ा कहीं खो गया। बहुत ढूंढने पर वो घोड़ा एक पहाड़ की ऊंचाई पर मिला, जिसके बाद मेराक लामा ने भगवान का आशीर्वाद समझकर घोड़े द्वारा चुने गए उस पहाड़ को ही तवांग मठ बनाने के लिए चुना। इस मठ को तिब्बती भाषा में गाल्डेन नामगिये लात्से के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सेलेस्टियल पैराडाइज इन अ क्लियर नाइट। इस खूबसूरत स्थल को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक यहां आते हैं। इस मठ में 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी की खूबसूरती देखी जा सकती है। दूर से दुर्ग के समान दिखने वाले इस मठ के प्रवेश द्वार को काकालिंग के नाम से जाना जाता है। इस द्वार का आकार झोपड़ीनुमा है, साथ ही इसकी दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी बेहद उम्दा है, जो यहां आने वालों का मन मोह लेती है। इस मठ में 65 भवन हैं। मठ का मुख्य आकर्षण है यहां स्थित भगवान बुद्ध की लगभग 26 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रभावशाली 3 तल्ला सदन, जिसे दुखांग के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहां एक विशाल पुस्तकालय पारखांग भी है, जिसमें प्राचीन पुस्तक और पांडुलिपियों का बेहतरीन संकलन है। ऐसा माना जाता है कि ये पांडुलिपि 17वीं शताब्दी की है। यहां तवांग मठ के अलावा भी कई अन्य और मठ हैं, जिनमें अर्गलिंग मठ, जो दलाई लामा का जन्मस्थान माना जाता है, रिंग्यालिंग मठ, जो हरियाली और शांत वातावरण में स्थित है। इसके अलावा यहां कई पर्वत शिखर हैं, जिनमें गोरीचेन, जयशिला और सेलापास प्रमुख हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, कल कल बहती नदियां, गूंजते झरने और इतनी हसीन वादियां हैं जो इस जगह को स्वर्ग सी सुंदरता प्रदान करती हैं, और ये सुंदरता आंखों से होकर सीधे आत्मा को छू जाती है। तो प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य में मंत्रमुग्ध होने के लिए हो जाइए तैयार और निकल चलिए इस बार तवांग की हसीन वादियों की सैर पर।